प्रदर्शन में शामिल हुई महिलाओं ने मटका फोड़कर दिल्ली जल बोर्ड से पानी देने की अपील की है। महिलाओं ने कहा कि हम पिछले कई सालों से पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन पानी की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। हमें पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। बिहार के कई जिलों में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। पटना, गया, नालंदा, शेखपुर, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री के बीच रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। लोकसभा चुनाव के 6 चरणों का मतदान हो चुका है। 1 जून को 7वें चरण के लिए मतदान होगा। इसके लिए चुनाव प्रचार आज शाम थम जाएगा। 7वें चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। भाजपा ने प्रधानमंत्री मोदी के आज के कन्याकुमारी के कार्यक्रम को एक्स पर शेयर किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार के आम चुनाव में अपने 400 पार के संकल्प की सिद्धि के लिए देश में धुआंधार प्रचार कर मतदाताओं का आशीर्वाद ले रहे हैं। वो पंजाब के होशियारपुर में मतदाताओं का आशीर्वाद लेकर कन्याकुमारी के लिए रवाना होंगे। अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस ने सफलतापूर्वक आज अपने रॉकेट अग्निबाण सॉर्टेड एक मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस लॉन्च की जानकारी देते हुए इसरो ने कहा कि स्पेस सेक्टर में ये सफलता मील का पत्थर है। यूपी में गर्मी जानलेवा होती जा रही है। प्रदेश में गर्मी और लू की चपेट में आने से 51 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश के ज्यादातर हिस्से लू की चपेट में है। कांग्रेस नेता शशि थरूर के पीए पर सोने की तस्करी के आरोप लगे हैं। कांग्रेस नेता और केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से मौजूदा सांसद शशि थरूर के पर्सनल असिस्टेंट शिव कुमार प्रसाद को दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। मंत्री आतिशी ने कहा कि हम केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे कि पानी समय पर और पूरा हरियाणा की तरफ से दिया जाए। हरियाणा दिल्ली के साथ ऐसा नहीं कर सकता। दिल्ली यमुना पर निर्भर है। जब हरियाणा से पानी ही कम आएगा तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पानी कहाँ से लाएगा। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने दिल्ली जल बोर्ड को पानी की बर्बादी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 200 टीमें तैनात करने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ₹2000 जुर्माना लगाने के निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली में गर्मी कहर बरपा रही है। दिल्ली के मुंगेशपुर में बुधवार को 62.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ, जो अब तक का सबसे अधिक तापमान है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ये अभी तक आधिकारिक नहीं है। दिल्ली में इतना तापमान होना संभव नहीं है।